नई गाइडेड मिसाइल की तस्वीरें पेश कर उत्तर कोरियाई सरकारी न्यूज चैनल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है। शुक्रवार को सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। 조선민주주의인민공화국 국방과학원은 3월 25일 새로 개발한 신형 전술 유도탄 시험 발사를 진행했습니다. Democratic People's Republic of Korea के The Academy of Defense Science ने 25 मार्च को एक नई गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने ये दावा तब किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए मिसाइल परीक्षण पर उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उत्तर कोरिया ने तनाव बढ़ाया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जबकि जापान और दक्षिण कोरिया ने पहले ही इस बात का दावा कर दिया था कि उत्तर कोरिया ने दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसके शुक्रवार को उत्तर कोरिया ने खुद पुष्टि कर दी। उत्तर कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि उसकी दो गाइडेड मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सफल रहीं। दोनों मिसाइलें पूर्वी तट से दागी गई थीं। बताया जा रहा है कि ये मिसाइलें 600 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाने और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है ताकि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच किसी तरह की बातचीत होने पर फायदा उठाया जा सके।